फ्रेंड्स, मैं प्रीति राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसए महाविद्यालय रमईपुर से आज आपको पेपर फर्स्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत टॉपिक यानी प्रकरण मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड एजुकेशन सॉरी इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ के विषय में बताने जा रही हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये जो टॉपिक है आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये आपका एक नवीन प्रवृत्तियाँ या नया विचार भी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ के विषय में। ओके, चलिए जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड। अभिक्रमित अध्ययन विधि को अभिक्रमित अनुदेशन अथवा अभिक्रमित अधिगम भी कहते हैं। ओके, अभिक्रमित अध्ययन विधि को अभिक्रमित अनुदेशन मीन्स जो अध्ययन विधि है या शिक्षण विधि है उसे हम अभिक्रमित अधिगम के नाम से भी जानते हैं। अधिगम क्या होता है? आपका लर्निंग। यह शिक्षण की एक आधुनिक तकनीक कहलाती है, यद्यपि इसका प्रयोग प्राचीन काल में सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर प्रणाली में किया था। इस विधि के प्रणेता कौन है? बीएफ स्किनर हैं। इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? बीएफ स्किनर हैं। यह एक शिक्षण या पढ़ाने का तरीका है, विधि है, और साथ ही साथ कैसा क्या मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया, शब्दों के अर्थ पर जाइए तो अनुदेशन। अनुदेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन देकर आपको सिखाना। शिक्षण क्या है? सिखाने की एक प्रक्रिया, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है शिक्षा। और शिक्षण विधि यानी कि आपको सिखाया जा रहा है इसमें, तो यह क्या है? एक सिखाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसपे कि आपको अनुदेशन दिया जाता है यानी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इसके बाद आपको सिखाया जाता है। प्रणेता याद रखिएगा इसके कौन है? बीएफ स्किनर हैं, और जिन्होंने डॉक्टर प्रेसी के सहयोग से शिक्षा जगत को यह महान देन प्रदान की थी। ओके, उन्होंने अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में एक शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किया है। ओके, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। किस तरह से आधारित है अभी इसके विषय में आगे आपको बताती हूँ। यदि बालक को उसके प्रश्न के हल का मूल्यांकन तुरंत बता दिया जाए तो उसके सीखने में वृद्धि के अवसर बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स यदि बालक का जो है आपका शिक्षण के दौरान या उसको मूल्यांकन कर लिया जाए, उसको बता दिया जाए कि उसने कितना सीखा है, कैसे सीखा है, अगर ऐसा बता दिया जाता है तो उसके सीखने की जो वृद्धि है उसमें अवसर बढ़ जाते हैं। स्किनर ने एक ऐसे ही शैक्षिक यंत्र का आविष्कार सन 1950 में किया था जो कि बालक को उसके प्रश्न का हल सही है या फिर गलत है उसे तुरंत बता देता है। इस आविष्कार से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि बालक को अगर परिणाम तुरंत मिल जाता है, दैट मीन्स रिजल्ट अगर उसको तुरंत मिल जाता है, तो उसके जो सीखने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वह बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। ऐसा स्किनर का मानना था कि अगर रिज़ल्ट अच्छा होगा तो स्टूडेंट डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा प्रयास करेगा और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने बताया था अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है इसका अर्थ। यह विधि क्या है? ज्ञान की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर क्रमबद्ध रूप में तार्किक ढंग से ओके इस प्रकार से नियोजित करती है कि विद्यार्थी रुचिपूर्ण स्वगति से स्वाध्याय में अग्रसर होता है। इससे में क्या करते हैं? बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने से प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बलन मिलता है जिससे वह आगे अधिगम करने हेतु प्रेरित होता है।
ओके चलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझाती हूँ। ये तो आपके बुक की लैंग्वेज है और लेकिन बुक की लैंग्वेज से आपको इसका अर्थ क्लियर नहीं होगा, या हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर हो जाए और कुछ को नहीं हो। तो मैं इसके विषय में बताती हूँ यह क्या है। ज्ञान की विषय वस्तु यानी कि आपका कंटेंट। सपोज आपको कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ाना है मुझे, मैं उससे रिलेटेड क्या करूँ, विषय वस्तु या कंटेंट को छोटे छोटे पदों में डिवाइड करूँ और इस तरह से डिवाइड करूँ कि जो है इसका क्रमबद्ध रूप से यानी क्रम से डिवाइड करूँ। जैसे मुझे, मैं इसी टॉपिक को ले लेती हूँ जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ, अभिक्रमित अनुदेशन। मैंने इस पर एक कंटेंट विषय वस्तु तैयार करी, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ, इसके क्या लाभ हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, एक कंटेंट तैयार किया, विषय वस्तु तैयार की, और इस तरह की विषय वस्तु तैयार की जिससे कि विद्यार्थी इसे रुचिपूर्ण स्वगति से सीखे, मीन्स अपनी गति से सीखे। क्योंकि किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में एक ही गति के या एक ही प्रकार के बालक नहीं होते हैं। जैसा कि आप साइकोलॉजी में पढ़ चुके हो कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी बालक जो है एक ही कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं। किसी की सीखने की गति तेज होती है और किसी की सीखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है। तो इसलिए स्वगति मीन्स खुद की गति से उसको सीखना और स्वाध्याय खुद पढ़ने की ओर अग्रसर होना। और चूंकि इसमें बालक को क्या है, तुरंत परिणाम मिल जाता है। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि स्किनर ने क्या किया था, यही किया था कि उनका मानना था कि अगर बालक को परिणाम यानी रिजल्ट तुरंत पता चल जाता है तो क्या होता है, उसको प्रतिपुष्टि मिलती है और पुनर्बलन यानी फीडबैक मिलता है, और फीडबैक मिलने के बाद पुनर्बलन जिससे कि वह आगे की ओर अधिगम करना शुरू कर देता है। अगर फीडबैक अच्छा मिलता है तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है और आगे बढ़ना, चूँकि स्वाध्याय से सीख रहा है, स्वाध्याय करके सीख रहा है, स्वगति से सीख रहा है, इसीलिए उसे इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। चूँकि बच्चा अपनी स्पीड से सीखेगा, उसकी जो गति है उससे सीखेगा, उसको इससे मतलब नहीं है कि मेरा सहपाठी जो है वो जल्दी सीख रहा है और मैं धीमे धीमे सीख पा रहा हूँ, तो इस तरह का उसको कोई भी समस्या इसमें नहीं फेस करनी पड़ती है। ओके, आवश्यकता क्या है इसकी, इसके विषय में जान लेते हैं। सामान्य कक्षा शिक्षण में यह कठिनाई आती है कि बालकों को जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, वे स्वगति से सुविधापूर्वक अधिगम कर सकें। अनेक प्रयास शिक्षक द्वारा इस दिशा में किए जाते हैं, लेकिन इसकी जटिलता को कुछ तो कम किया जा सकता है, पूर्ण निवारण नहीं किया जा सकता। जैसा आप भी जानते हो कि एक ही क्लास में अगर विभिन्न गति के बालक हैं, विभिन्न प्रकार के से सीखने के वाले बालक हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक सभी बालकों को अच्छी प्रकार से हैंडल कर सके या उनको अच्छी तरह से सिखा सके, ऐसा संभव नहीं है। तो चूंकि ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए इस तरह के अनुदेशन इंस्ट्रक्शन का आविष्कार हुआ, और जिससे कि बालक अपनी गति से यानी स्वगति से सीखे, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सीखे। साथ ही साथ उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंदबुद्धि का बालक है या सामान्य बालक है, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, हेजिटेशन होता है या उसे ऐसा शर्म महसूस होती है कि नहीं, मेरा ही सहपाठी है, मेरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है और वो जो है अपनी गति से ज़्यादा सीख रहा है, या वह क्लास का अच्छा बच्चा है, होशियार बच्चा है और मैं पिछड़ी गति का हूँ। तो इस तरह की जो भावनाएँ आ जाती हैं, हीन भावना आती है, वो भी इसमें नहीं आती, क्योंकि आप बच्चा किस गति से सीख रहा है यह अध्यापक को पता होता है और उसे स्वयं। तो अभिक्रमित अधिगम क्या है, अभिक्रमित अधिगम है एक ऐसी शिक्षा की विधि है जो कि बालक को सीखने का अवसर प्रदान करती है, और इससे व्यक्तिगत विभिन्नताएं के कारण अध्यापन में जो आने वाली जटिलताएं हैं यानी कि कठिनाइयां हैं, वह स्वतः ही कम हो जाती हैं। क्योंकि इस विधि में बालक क्या करता है, स्वयं सीखता है, स्वगति से सीखता है। ओके, इसलिए जो भी इस तरह की जटिलताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। ओके, अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके विषय में बात करते हैं। पहला सिद्धांत है छोटे सोपानों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, इसके विषय में बात करते हैं। इसका अर्थ है कि जिस विषय वस्तु को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है उसे छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि सीखने वाले को सामग्री खंडों में प्रस्तुत की जाए तो वह उसे अच्छी तरह से
सीख सकता है। क्योंकि एक बड़ा सा टॉपिक या एक ही साथ सारी चीज़ों को देखकर बालक घबरा सकता है या उसको सीखने की रुचि कम हो जाती है। जब विद्यार्थी को छोटे छोटे पदों में वही विषय वस्तु वही कंटेंट दिया जाता है, सपोज मैं आपको एक साथ ना पढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय एक ही जो टॉपिक उठा लूँ वह है सिर्फ अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, तो इससे क्या होगा कि बालक जब छोटी विषय वस्तु होगी या छोटे छोटे पदों में विभाजित होगा तो उसे जल्दी सीख लेगा, उसके सीखने की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो इस तरह इसका जो पहला प्रिंसिपल था वो क्या था, छोटे सोपानों का सिद्धांत, स्मॉल स्टेप्स या लघु पदों का सिद्धांत। नेक्स्ट है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स करना। ओके, प्रत्येक इकाई का छात्र द्वारा किसी ना किसी रूप में अनिवार्यता उन तरफ दिया जाना चाहिए। मीन्स प्रत्येक छात्र को यह कंपलसरी है, अनिवार्य है कि वह उत्तर दे, चाहे वह धीमी गति से सीखे या तेज गति से सीखे, उसे सीखने में समय कितना भी लगे, उसकी रुचि के अनुसार। पहली चीज़ तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो छात्रों की रुचि के अनुसार ही इसको जो है बनाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। तो इसलिए क्या करना है कि प्रत्येक छात्र जो है वो किसी ना किसी रूप में अनिवार्यता इसका उत्तर दे, ऐसा होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। चूँकि इसमें बालक ने जब क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, तो उसको उसका उत्तर भी तुरंत मिल जाता है, अतः इसमें जो है तुरंत फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तो ये इसका थर्ड जो है प्रिंसिपल है। उत्तरित सोपान के सही या गलत उत्तर की जानकारी द्वारा छात्र को रीइन्फोर्समेंट यानी पुनर्बलन प्रदान हो जाता है कि बालक ने अगर सही उत्तर किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और अगर गलत उत्तर किया है तो उसका क्यों गलत किया है उसका भी आता है, और बालक इस तरह से जो सही उत्तर तक स्वयं ही पहुँचता है। ओके, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि छात्र अच्छा तभी सीखता है जब अपने उत्तर के प्रति आश्वस्त हो। जो छात्र अपने उत्तर के प्रति या उत्तर के बारे में अधिक देर तक प्रतीक्षारत रहता है वह उस छात्र की अपेक्षा अधिक नहीं सीख पाता जिसे अपने उत्तर परिणाम की प्राप्ति क्या हो जाती है, शीघ्र ही हो जाती है। ओके, तो अगर छात्र को तुरंत फीडबैक मिल जाएगा, छात्र तुरंत ही सीख जाएगा, तो क्या होगा इससे उसे रीइन्फोर्समेंट भी तुरंत मिल जाता है। नेक्स्ट, स्वागतिक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। चूँकि मैंने बताया इसमें कोई भी विद्यार्थी हो, सामान्य बालक हो, औसत गति का हो या प्रतिभाशाली हो, किसी भी प्रकार का बालक है वो अपनी गति के अनुसार सीखता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ लोग क्या करते हैं धीमे धीमे सीख पाते हैं या धीमी गति से सीख पाते हैं, जिससे कि अध्यापन की गति काफ़ी तेज़ या धीमी हो सकती है। और चूँकि अध्यापक एक ही है तो ऐसा संभव नहीं है कि वह हर छात्र पर पूरा पूरा ध्यान दे सके, हर गति के सीखने वाले छात्र होते हैं, तो इसलिए इस तरह के जो नवाचार है, इनोवेशन है, इसका जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है छात्र परीक्षण का सिद्धांत, चूँकि इसमें क्या है कि छात्रों का परीक्षण भी हो जाता है, मूल्यांकन भी हो जाता है, जो पाठ्य सामग्री की इकाइयों, घटकों का आकार, संख्या तथा मात्र केंद्रित बुद्धि स्तर या अभिरुचि का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये सुधार संशोधन छात्र परीक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित है, चूँकि पुनर्बलन तुरंत मिलता है, साथ ही साथ जो है छात्र में को सीखने में अगर कोई समस्या आती है तो उसके विषय में भी छात्र को तुरंत ही पता चल जाता है। तो इस तरह से क्या है ये कि छात्र परीक्षण का सिद्धांत पर भी आधारित है। तो फाइनली हमने क्या जाना कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, स्वतः सीखने की या स्वागति से सीखने की विधि है जिसमें कि कंटेंट होता है और कंटेंट को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है और जिसे छात्र अपनी गति से या स्वयं की गति से सीखता है, और इसके बाद उसको तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। फीडबैक मिलने से फ़ायदा ये होता है कि छात्र के सीखने की गति बढ़ जाती है। ओके, तो ये एक तरह से व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है, इंस्ट्रक्शन की विधि है, चूँकि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसके द्वारा, टीचर या अध्यापक के द्वारा, तो ये क्या है, एक अनुदेशन की विधि है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।